हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जो भी स्टूडेंट बीएससी या बीए विद मैथ्स करने के बाद एमएससी में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो एमएससी मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं, उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। क्या होता है प्योर मैथमेटिक्स और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आते हैं, ऐसे ही अप्लाइड मैथमेटिक्स में और क्या क्या इसमें टॉपिक्स रहेंगे, ऐसे कैसे कौन से स्टूडेंट होते हैं जिनको प्योर मैथ्स करना चाहिए और ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको अप्लाइड मैथ्स करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में प्योर पढ़ाया जाता है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड पढ़ाया जाता है, और कहीं पर तो आपको चॉइस भी मिल जाएगी, सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस। आपको जैसे ही एमएससी एंट्रेंस की अभी आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देंगे और आपके सामने जो है वो जब एडमिशन करने जाएंगे आपको फिल करना होगा, प्योर मैथ्स से आप एमएससी करना चाहेंगे या अप्लाइड मैथ्स से एमएससी करना चाहेंगे। तो प्योर मैथ्स से एमएससी करने का क्या मतलब है और अप्लाइड मैथ्स से एमएससी करने का क्या मतलब है कि प्योर मैथ्स में आपके पास जो टॉपिक्स रहेंगे, बेसिक जो टॉपिक्स आपके पास है, एलजेब्रा, एनालिसिस, नंबर थ्योरी। प्योर मैथ्स का मतलब क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है। अप्लाइड जो मैथ्स होता है इसमें आप एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि आप जो बीएससी में पढ़ चुके हो उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल का मैथ्स आप एमएससी में पढ़िएगा। कंप्लीट थ्योरेटिकल होता है पूरा, मतलब हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं है जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको स्टेटमेंट दे दी गई और आप इसको सॉल्व करिए और ये आपका हो गया कि आपने मैथ्स पढ़ लिया। नहीं, यहाँ पर आप डेरिवेशंस करेंगे, यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ेंगे। अब जैसे मैं बात करूँ एलजेब्रा, ठीक है, बात करें एनालिसिस, रियल नंबर्स की, यहाँ पे हमारा एक पार्ट होता है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स सबको पता है क्या होते हैं, तो उनके और ज़्यादा डीप नॉलेज, उनके डेरिवेशंस आपको मैथ्स में जो एमएससी करेंगे तब आपको पढ़ने होंगे। अप्लाइड मैथ्स में होता है कि आप मैथमेटिक्स को जब पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो फॉर्मूला बेस्ड आप पढ़ने वाले हो। समझ में आ गया, यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ्स होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे प्योर मैथमेटिक्स में। एक और जो मेन डिफरेंस माना जाता है प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जो बच्चे आगे जाकर रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए माना जाता है कि आपको प्योर मैथ्स करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर, अच्छी तरीके से क्लियर हैं, प्योर मैथमेटिक्स आप ले सकते हो। दोनों में टफ कौन सा है, दोनों ही सेम अपने अपने जगह पर सही हैं, सेम लेवल के हैं। नेट में ज़्यादा कौन सा काम आता है, सीएसआईआर नेट का जब एग्ज़ाम आप देते हैं, जो आप जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं उसमें कौन सा काम आता है, तो कह सकते हो कि आप यहाँ पे 60 भी नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि 45% और यहाँ पर आप लिखिए 55% and 45%, ठीक है। तो प्योर मैथमेटिक्स जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो इसमें प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा काम आता है, बट अब क्योंकि पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो दोनों को इक्वली ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, जो बेसिक, जैसे कि आपने अभी फाइनल ईयर में पढ़ा है, आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ चुके हो, ग्रुप एंड रिंग पढ़ चुके हो, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ चुके हो, तो इन्हीं को और ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स एमएससी में। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्योर मैथमेटिक्स की, तो एलजेब्रा आप पढ़िएगा, एनालिसिस एंड नंबर थ्योरी। अब इसके अंदर एलजेब्रा में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, एनालिसिस में कौन से टॉपिक रहेंगे, नंबर थ्योरी का कुछ पार्ट आप पढ़ चुके हो, बहुत ही छोटा सा पार्ट आपने पढ़ा है बीएससी के अंदर नंबर थ्योरी का, इससे कहीं ज़्यादा आप पढ़ने वाले हो एमएससी में। ये केवल फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का सिलेबस नहीं है, ओवरऑल मैथमेटिक्स एमएससी का जो पेपर्स रहेंगे वो आप जो पढ़ने वाले हो ये सब है। लीनियर एलजेब्रा, रिंग्स जो हमने ग्रुप एंड रिंग में पढ़ा है उसी को और ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है एमएससी में। ग्रुप थ्योरी,
वेक्टर स्पेस जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक था बीएससी में, जो कि आप पढ़ चुके हो, लेकिन इससे कहीं आगे ज़्यादा जाके आप इसको पढ़िएगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि एमएससी का भी हम प्योर मैथमेटिक्स में और अलजेब्रा का जो पेपर है ये जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, जैसे ही आपके एडमिशन होते हैं तो ये आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अलजेब्रा का हम स्टार्ट करेंगे और एनालिसिस में फंक्शनल हो गया, रियल हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ चुके हो उसी को ज़्यादा डेरिवेशन में आप पढ़िएगा। मेजर थ्योरी, नंबर थ्योरी का मैंने बताया आपको, कुछ पार्ट आप बीएससी में पढ़ चुके हो और इससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा एमएससी में, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में और ऐसे भी टॉपिक्स आपको, ऐसे भी आपको सिलेबस मिलने वाला है एमएससी में जिसको आपने बीएससी में टच भी नहीं किया है, समझ में आ गया। तो कुछ एक पेपर ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप एमएससी में ही नए पेपर पाइएगा, मतलब वो सिलेबस जो बीएससी में आपने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके पास क्या आता है, स्टैटिस्टिक आता है, जो कि अभी हमारे पास जो बच्चे ऑनर्स स्टूडेंट होते हैं स्टैटिस्टिक पहले पढ़ चुके होते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो हमारे बीए विद मैथ्स कर रहे हैं वो आगे जाके एमएससी करते हैं, या फिर जो बीएससी स्टूडेंट होते हैं वो एमएससी करेंगे, अप्लाइड एमएससी करेंगे, तो उनके लिए ये पेपर बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल ही नया होगा। इसके भी दो पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जिसमें आप मीन, मीडियन, मॉड और आगे जाके मीन डेरिवेशन बहुत ज़्यादा डीपली आपको यहाँ पर पढ़ना है, एंड किन वन इज इन्फेरेंस स्टैटिस्टिक, इसमें आप डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़िएगा। तो स्टैटिस्टिक जो ऑनर स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप इजीली इसको कर पाइएगा। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन आता है, पार्ट आता है कंप्यूटेशनल मैथ्स, इसमें आप कंप्यूटर एलजेब्रा के बारे में, यानी कि सारा का सारा ना प्रैक्टिकल मैथ्स होता है, समझ रहे हो, जो अप्लाइड मैथ्स होता है सारा का सारा हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल मैथ होता है, जिनको हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट मैथ्स, कंप्यूटेशनल अलजेब्राइक टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड अप्लाइड, ये आपके पास आता है, इसी का थर्ड पेपर आप, यानी कि थर्ड टॉपिक आप कह सकते हो, ये आपको मिलेगा एमएससी में। ज्योमेट्री मॉडलिंग, अप्लाइड फिजिक्स, एक तरह से आप फिजिक्स ही पढ़िएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जिसका मैथ्स में का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ओडी एंड पीडी, ओडी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप बीएससी में कर चुके होते हो, लेकिन इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एमएससी में मिलेगा। कुछ पोर्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको, पीडीई का कुछ पोर्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा प्योर मैथमेटिक्स में। टोपोलॉजी आप प्योर में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ गिने चुने से टॉपिक है, और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं एमएससी में भी। और लास्ट है यहाँ पे कैलकुलस, तो ये आपके टॉपिक्स हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स के। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि जीजीयू यूनिवर्सिटी जो बच्चे कर रहे हैं वो अप्लाइड मैथ्स से ही एमएससी वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अप्लाइड मैथ्स से ही करवाई जाती है। एमडीयू है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स से एमएससी करवाई जाती है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, आपके आसपास, कई बार ये भी होता है कि कई बच्चों के आसपास यही यूनिवर्सिटी है तो आप इसी में एडमिशन ले सकते हो, आपको, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपके पास आसपास यूनिवर्सिटी, कई बच्चे एफिलेटेड कॉलेजेस से करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है वही एफिलेटेड कॉलेजेस का भी वही सिलेबस होगा। जैसे कि अगर जीजीयू में आप अप्लाइड पढ़ रहे हो तो एफिलेटेड कॉलेजेस में जो एमएससी कर रहा है बच्चा उसको भी अप्लाइड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा सिलेबस को जानकर और थोड़ा सा अपने खुद के इंटरेस्ट को जानकर जो बच्चा कर सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडमिशन लें, और इस टाइप से आप इनको चूज़ कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट की क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 9416941982। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम एमएससी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप अपने एडमिशन के जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।